नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस नए वीडियो में। इस समय हम लोग आ चुके हैं परेड ग्राउंड में। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पे सामने रोड भी बन रहा है। ये सब महाकुंभ की तैयारियां इस समय जोरों शोरों से यहाँ पे चल रही हैं। और इस समय हनुमान मंदिर कॉरिडोर बन रहा है और किला कॉरिडोर भी बन रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे कवर करते हैं। और साथ में ये भी दिखाएंगे कि अच्छा बोर्ड का दर्शन करने का टाइमिंग क्या है। बाकी इस समय बारिश का मौसम बन चुका है और हल्का हल्का बूंदाबांदी हो भी रहा है और वहाँ पे मैच चल रहा है। बाकी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर देखते हैं। वो सामने है बंधवा हनुमान जी का मंदिर। चलते हैं। ये हनुमान मंदिर का फ्रंट ग्रेट, यहाँ पर तभी ये सब मकान वहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि गिराया गया है। बाकी चलते हैं पीछे तरफ, देखते हैं क्या चल रहा है इसकी तैयारियाँ। यह है किला। यह है किला और वहां पर देख रहे हैं तिरंगा लहर रहा है। और यह है हनुमान मंदिर का पीछे का हिस्सा, यहां से होते हुए किला तरफ जाते हैं। आज हनुमान मंदिर में ज्यादा भीड़ है नहीं। जय बजरंगबली। ये है मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ के सामने ही इधर यहाँ पे कई घर गिराए गए हैं। ये रोड पूरा चौड़ीकरण किया जाएगा, काम चल रहा है। इधर का तो हो ही गया था, दिखाया था आपको। इधर ये देखिए, यहाँ पे तक काम चल रहा है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ सामने घर और गिरा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं चौड़ीकरण के लिए। और प्राचीन शिव मंदिर भी इस रास्ते में, देखिए ऐसा क्या होता है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास। ये लगा लो ना भाई, हमें ही महाराष्ट्र के भाई लोग मिल गए हैं। हाँ लगा लो। आपको नाम जानना चाहेंगे? सुनील भाटी। यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या? अभी उधर वोटिंग के भाई, वोटिंग पे गए थे, वोट क्लब पे। हाँ, वोट क्लब पे गए थे। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखा, वहाँ भी दर्शन किया। हाँ, वहाँ भी दर्शन किया। आप लोग स्नान भी किए? हाँ, स्नान भी किए वहाँ पे। आप लोग महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से, धुलिया। महाराष्ट्र धुलिया से आए हम। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसा लगा प्रयागराज? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और कहाँ कहाँ जाने की योजना है, कहाँ कहाँ? अभी तो काशी जा रहे हैं हम, यहाँ से काशी जाना है, काशी से अयोध्या जाना है, अयोध्या से हरिद्वार, हरिद्वार से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम यात्रा कर रहे हैं। चार धाम। अभी कितने दिन हो गए यात्रा करते हुए? अभी ये तो तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। हाँ, हम 1 तारीख से निकले। और कैसे? और बढ़िया है। ये महान है, महावीर है। इनका पिता बहुत अकम्पार है, कलयुग के अवतार है। आगे प्रसाद ग्रहण किए? इनका चल गया प्रसाद खा के हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये खिचड़ी तो चलता है छत्र भंडार है। जी 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 जी। इनका परम भक्त हूँ, 2019 से जुड़ा हूँ। इनके बारे में बहुत कुछ मेरे को जानकारी, इनका गाना, इनका नाम, श्री बड़े हनुमान जी अब तो संत बलवीर गिरी महाराज भक्त जाते हैं। क्या नाम है सब आप? हमारा नागेश। प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। अभी महाराज से कुछ भैया लोग मिल गए थे, यहाँ पे टूर के लिए आए हुए हैं। उनकी यात्राएं प्रयागराज, काशी, अयोध्या और चारों धाम की हैं। तो बाकी ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर का अभी तक यहाँ का काम धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग किला कॉरिडोर की, जो कि सामने ही है वहाँ पर, तो चलते हैं और उसको आपको दिखाते हैं कितना हो रहा है काम, क्या क्या चल रहा है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किला के पास में और इसके सामने यहाँ पे रोड का काम तेजी से चल रहा है। रोड, खंभा, बिजली और इधर ये काम चल रहा है अभी।
यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कॉरिडोर पे कितना काम हो गया है, कितना हो रहा है। ये यहाँ पे अभी गिट्टियाँ रखी गई है और इधर पिछली बार हम लोग आए दूसरे ज़्यादा काम यहाँ पे हो चुका है। चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। और यहाँ का टाइमिंग है जो मतलब कि अक्षय वट दर्शन करने का टाइमिंग वो फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे गेट बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। बाकी जब लोग पिछली बार आए थे यहाँ पे नीचे गड्ढा उड्ढा किया गया था, वो सब काम चल रहा था। ये है मेन प्रवेश द्वार, तो यहाँ से एंट्री है। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं किला के अंदर। अरे वाह यार, इतना सारा काम हो गया। इसी तरह पड़ता है अच्छा वट, जो मेन अच्छा वट वृक्ष है उधर, और यहाँ भी पड़ता है अच्छा वट पतालपुरी मंदिर, तो इसके अंदर से होकर जाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे तो काम चल रहा है, तलाव नहीं करेंगे, अंदर साइड चलते हैं। चलो आगे साइड चलते हैं, बंद है टाइमिंग तो बंद है, लेकिन आगे चलेंगे जी। हाँ वैसे यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है, फिर यहाँ पर कार्य जा रही तो कुछ काम कर रहे हैं इसमें। बाकी देखते हैं अगर परमिशन होगा तो आगे चलेंगे। बढ़िया कांच मुझे लग के बना रहा है, ऊपर देखो। हाँ यार वाह, हमने किला को एक बार कवर किया था उस समय, हम आपको दिखाया था यहाँ की दीवारें खिड़कियाँ और ये जो पेड़ पौधे हैं पूरे उगाए हैं, इन सब की साफ सफाई कर दी गई है। और अभी धीरे धीरे काम तेजी से चल रहा है, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो पत्थर हैं देखिए सब साफ किया गया है और यहाँ पे कांच रख दिया गया है, एकदम जर्जर अवस्था में था इस समय। और इस समय भी देखो कई खिड़कियाँ बंद कर दी गई है, और बिना परमिशन घुसे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इस समय यहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 बजे के बाद आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कवर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। खासकर तो आपको बता दें कि दो तीन महीने में यहाँ का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कोशिश है कि महाकुंभ से पहले इसको भव्य एकदम बना दिया जाएगा। और प्रयागराज में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्थल हैं, उन सबको विकसित किया जा रहा है, सुंदरीकरण किया जा रहा है खासकर। और यहाँ भी देखिए ये चीज़ बनाया गया है और इसके ऊपर यहाँ भी कांच बिछाया जाएगा। आप एक मस्त नज़ारा दिखाते हैं, ये है अपना किला और इसके जस्ट सामने ये है अपना संगम क्षेत्र, और इसको भी पूरा विकसित किया जा रहा है, पक्के घाट बनाए जा रहे हैं जो कि जल्द ही तैयार हो जाएगा। बाकी आप जैसे देख रहे हैं आप खंभे हम गाड़ दिए गए हैं, यहाँ पे भी ऊपर ऐसे बनेगा जैसे पीछे बना था, और उसके ऊपर कांच बिछाया जाएगा और साइड से भी कांच लगेंगे। बाकी पवित्र अक्षय वट के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, क्योंकि कल्प से कल्प के प्रारंभ से लेके अंत तक रहता है। और यहाँ का दर्शन बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, पहले ये बंद था, 2019 में मोदी जी ने इसे लोगों के लिए दर्शन के लिए खुलवा दिया था, तब से यहाँ पर दर्शन होता है हर माघ मेला कुंभ मेला में। यही है पवित्र अक्षय वट वृक्ष, और इसके लिए यहाँ से चारों तरफ से कांच की बैरिकेडिंग कर दी गई है, और यहाँ पर काम चल रहा है ये है प्रसिद्ध अक्षय वट। यहाँ की पत्ती बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है, हम लोग पहली बार दर्शन कर पाए हैं छू के, यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए आप लोगों को भी दर्शन करा दे रहे हैं। जब भी आना हो यहाँ पे आइएगा, दर्शन करिएगा। वहाँ पे है मंदिर जहाँ पे राम भगवान सीता माँ लक्ष्मण भगवान जी, साथ में दुर्गा माँ का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। कुछ समय बाद यहाँ का नज़ारा ही अलग ही होगा। अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं प्रसिद्ध अक्षय वट वृक्ष का, कल्प वृक्ष का दर्शन कर चुके हैं। कैसा लगा दीपक? अच्छा लगा, पहले से ज़्यादा डेवलप हो गया है, डेवलप हो रहा है अभी। अच्छा ये वही जगह है याद है, अकबर जिसमें निकले थे और यहाँ से लोग वहाँ पे तो स्नान करने के लिए निकलते थे। हाँ ऐसी कहानी यमुना है कि अकबर जो राजा थी अकबर की यहीं जाती थी स्नान करने के लिए वहाँ पर, यमुना नदी के लिए ना। तो यहाँ से होते हुए फिर अंदर एंट्री हो गया। अभी ये सब बंद कर दिया गया है, देखो ईंट टूट लग गया है नया सब। बाकी ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और ये है एक बालकनी, और आपको बता दें ये जो किला है ये सेना के अधीन आता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद यहाँ पे काम चालू हुआ है, और 2019 में मोदी जी ने इसको खोल दिया था खासकर वट वृक्ष के दर्शन के लिए, कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए। और ये वही जगह है जहाँ से रोपवे भी होके ऐसे निकलेगा जो कि अरैल तरफ जाएगा, जिससे कि लोग ऊपर से नज़ारा ले सकें। तभी हम लोग निकल चुके हैं, और ये किला 6 बजे के बाद बंद कर दिया था दर्शन के लिए,
और आपको बता दें कि सामने जो है ये संगम है जहाँ की ये पक्के घाट बनने वाले हैं, बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे बनके। और ये एक नया प्रवेश द्वार बन रहा है, अभी तैयारी में है। दोस्तों अभी हम लोग किला से निकल चुके हैं और आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे समापन। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।